ओके, वी आर फ्रॉम गुजरात। मैंने आपसे बात की थी फोन पे कि मेरा जो बच्चा है उसको स्लीप इश्यूज थे, तो ये जो मैंने आपके प्रोडक्ट की उससे काफी अच्छा हुआ है कि वो अभी काम होता रहता है, इतना हाइपर नहीं रहता है। और आपका जो प्रोडक्ट स्लीप का है वो मैं शाम को देती हूँ उसको दूध में, उसको चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो आपके प्रोडक्ट लेता है, वो मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि उसको चॉकलेट अच्छी ही नहीं लगती है पहले से ही, पर दूध में मिला के मैं उसको देती हूँ तो वो ले लेता है अच्छे से। तो उसको ये जो स्लीप प्रोडक्ट है वो 4 घंटे के बाद असर करना शुरू करता है, तो मैं शाम को देती हूँ तब जाके वो रात को थकता है और सोता है। 2 साल से वो सोया नहीं था। और आपकी जो ये प्रोडक्ट है वो मैंने मार्च से यूज करना शुरू किया है, तो स्टार्टिंग में मैंने स्लीप वाला ही यूज करना शुरू किया था, फिर जैसे जैसे मैं अवेयर होती गई आपकी प्रोडक्ट से तो उसमें मुझे ब्रेन के बारे में मालूम पड़ा, तो मैं ब्रेन का भी यूज कर रही हूँ अप्रैल से। तो अभी वो मेरा बेटा है वो 3 साल होने को है, 2 महीने के बाद वो 3 साल पूरा होता है, तो मैंने ब्रेन का यूज किया, उसको एडीएचडी है, डिसऑर्डर है, तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट मिला है मुझे। एक तो वो सोने लगा, उसके बाद ये ब्रेन का जो है उसमें भी उसका इम्प्रूवमेंट काफी लगा मुझे। तो अभी हम जो दवाई ले रहे हैं उसकी एडीएचडी की प्रोसेस चल रही है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। और मेरे जो डॉक्टर है इसके चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, उसको भी ये प्रोडक्ट मैंने आपका दिखाया है दोनों, तो उन्होंने भी बोला कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, आप यूज कर सकते हो, बिंदास करो। फिर मेरे बेटे के जो पीडियाट्रिक है उसने भी बोला कि ये जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने उसको नहीं दिया है तो कुछ उसमें अलग चेंजेस नहीं दिखने को मिल रहे मुझे, तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, वो बात भी कि उसको हैबिट नहीं पड़ने लगती है, तो वो चीज काफी अच्छी है। करेक्ट। तो काजल, आपने एक एक चीज बोली जो मुझे काफी शॉकिंग लगी। 2 साल से बच्चा सोया नहीं। कैन यू गो हाँ लिटिल डीप कि क्या था ये एग्जैक्टली, व्हाई वाज इट हैपनिंग? एग्जैक्ट हमें भी मालूम नहीं, वो क्या है, वो हाइपर बहुत है, पूरा दिन खेल कूद रहता है फिर भी वो थकता नहीं है, तो हमने काफी डॉक्टर लोगों को बताया कि ये सोता क्यों नहीं है, तो डॉक्टर बोले इतने छोटे बच्चे को नींद की दवाई कैसे दे सकते हैं हम, वो अपने हिसाब से जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा, ऐसे ही बोलते थे। तो हमने कुछ किया भी नहीं है उसकी नींद के लिए। हाँ कभी कभी ऐसा चेंजेस किया कि उसको रात को सुलाने से पहले मालिश करे, उसको अच्छे से नहलाए बात करके, तो ऐसा कुछ करते थे, पर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता था। तो वो हाइपर जो था उसका नेचर बिहेवियर, उसकी वजह से हमें लग रहा है, डॉक्टर का भी कहना वही है कि वो हाइपर है इसलिए उसको नींद का इश्यू है। अभी उसकी नींद अच्छे से हो रही है? हाँ उसकी जो साइकिल है नींद की वो अच्छी हो गई है, दोपहर 1 घंटा सोता है, रात को भी सो जाता है, 10 घंटे की रात को नींद करता है वो, 11 साढ़े 11 बजे सो जाता है और 10 बजे उठता है, तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है इससे ग्रोथ अभी में उसकी वजह क्या से। डिफरेंस मुझे आएगा? भी, हाँ मुझे भी नींद होने लगी है, तो मेरा भी अच्छा हुआ है उस प्रोग्रेस। सही कह रहे हो। और वो जो ब्रेन का है ना उसका भी मुझे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो क्या है वो हाइपर है, इंटेलिजेंट भी है, पर ये जो एडीएचडी उसको डिसऑर्डर है उसकी वजह से वो जो रिएक्शन आते थे वो नहीं आते थे कि कब कहाँ क्या रिएक्ट करना है, वो ये आपका जो ब्रेन प्रोडक्ट है उससे हुआ है उसको, तो ब्रेन का भी काफी इम्प्रूवमेंट मुझे लगा। ऑल राइट। तो कितना बड़ा बच्चा है अभी काजल? अभी 2 महीने बाद उसको 3 साल पूरे हो गए, नवंबर में उसको 3 साल कंप्लीट हो गए। हाँ ऑल राइट। तो कब नोटिस किया था काजल, स्लीप के पैटर्न में जो प्रॉब्लम थी वो कब नोटिस किया था? मैं उसको प्रॉब्लम थी, वो 9 महीने का था ना तब मुझे मालूम पड़ा कि वो दोपहर में भी आधे आधे घंटे छोटा नैप लेके उठ जाता था, रात में भी वही करता था। तो पहले हमने उसकी बॉटल की जो दूध की है वो साइकिल चेंज करने को सोचा कि उसको शायद भूख लगी रहती हो, पूरी रात भूख लगी रहती हो तो वो नहीं सो पाता होगा,
तो ऐसा चेंजेस किया, 9 महीने का था तब से मैंने उसको खाने का जो शेड्यूल है वो चेंज किया, रात को दूध का शेड्यूल चेंज किया, वो काफी कर लिया पर उसमें रिजल्ट नहीं मिला। फिर हमारे पीडियाट्रिशियन है उसको बताया, कुछ चेंजेस उन्होंने करवाए फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे ऐसे करके करके हमने काफी चेंजेस किए पर रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे करके 2 साल तो निकल ही गए। तो आप स्लीप का प्रोडक्ट कब से दे रहे हो? मार्च से दे रही हूँ, मार्च से दे रहे मार्च हो? मंथ से, हाँ मार्च मंथ से। और ये जो ब्रेन का है वो मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया है। राइट राइट ओके। तो कोई एडवाइस काजल आप देना चाहोगे बाकी पेरेंट्स को? बिकॉज स्लीप अपने में बहुत बड़ा कंसर्न है, बच्चे के लिए भी है, बच्चे के ब्रेन के लिए भी है, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए हाँ भी है, क्योंकि पेरेंट्स भी तो नहीं सो पाते हैं फिर। हाँ वो तो है। नहीं मैं तो पेरेंट्स को यही एडवाइस दूंगी कि पहले मैं खुद डरती थी कि स्लीप, इतने छोटे बच्चे को स्लीप का कोई भी प्रोडक्ट दूं तो उसको हैबिट हो जाएगी और इन फ्यूचर वो बड़ा होगा तो उसके दिमाग को कोई इफेक्ट हो, तो मैं डरती थी। पर डरने जैसी कोई चीज नहीं है, बिंदास देना चाहिए और इसकी हैबिट भी नहीं पड़ती है और काफी अच्छा प्रोडक्ट है कि वो स्लीप के प्रोडक्ट से वो बच्चा सोता ही है, ऐसा नहीं है कि उसकी इफेक्ट नहीं होती है। बीच बीच में हम स्टॉप भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि उसकी साइकिल ये स्लीप प्रोडक्ट से ही अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है कि स्लीप का प्रोडक्ट आप बंद कर दोगे तो वापस वो सोने नहीं लगेगा, वो जैसे पहला था वैसे करने लगा, ऐसा भी नहीं होता है। इससे उसकी जो साइकिल होती है नींद की वो अच्छी हो जाती है, तो ये देना ही चाहिए, हैबिट पड़ती है, ऐसा नहीं है, उसकी साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं है। तो हाइपर एक्टिविटी की आप बात कर रहे थे काजल। हाइपर हाँ एक्टिविटी के लिए हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि ये ब्रेन बूस्टर भी लो और साथ में स्लीप प्रोडक्ट भी लो। अब तो हमने एक ब्रेन का हाँ पाउडर भी निकाला है जिसमें अच्छा काफी काफी प्रूवन एक हर्ब है जो पहले घर घर में हुआ करता था, सेज। या उसका हाँ उसका पत्ता है उसमें, वो भी बहुत काम करने में हेल्प करता है बच्चों को। ये सब नेचुरल चीजें हैं जो बहुत मतलब हाँ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से यूज हो रही है। हाँ बट कुछ बच्चों में ऐसा हम लोग सुनते हैं, जो हमने रियलाइज भी करा कि जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं या बड़े होते हैं एज में हाँ बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो उनके पेरेंट्स को कभी कभी ये ब्रेन बूस्टर चॉकलेट वाला सूट नहीं करता, फिर वो अच्छा नॉन स्वीट वाला ब्रेन बूस्टर ट्राई करते हैं। तो यही मैं आपसे ओके पूछना हाँ चाह रही हूँ कि आपके बच्चे को लेकिन सूट करा, काफी बच्चों उसको का भी ब्रेन सूट होता है। बूस्टर हाँ चॉकलेट सूट करता है हाइपर एक्टिविटी में भी, करना भी चाहिए क्योंकि अश्वगंधा शंख पुष्पी ब्रह्मी काम करते हैं शंकुश सब। बिरामी हाँ। तो हाइपर एक्टिव था बच्चा, उसको एडीएचडी है, ये काजल आपको पता है कि हाई हाइपर एक्टिव है, मॉडरेट है या माइल्ड मॉडरेट है अभी तो, मुझे है? और वो ऐसा लगता है एडीएचडी और मेरे जो डॉक्टर है उसको भी ऐसा ही लगता है कि आप जल्दी आ गए हो ये प्रोसेस ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं, इतना लेट नहीं हुआ है तो वर्क हर कर सकते हैं। और मैं मैम एक्चुअली आपको पूछना ही चाहती थी कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है उसमें एडीएचडी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो तो मुझे बताओ, मैं कल आ यूज करना जाएगा काजल, चाहती। कल आएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया ना प्रोडक्ट, उसमें भी मैंने सर्च किया कि आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें एडीएचडी के रिलेटेड कोई हो तो मेरे बच्चे को फायदा हो सके, तो मैंने 2 दिन पहले ही सर्च किया पर मुझे मिला नहीं उसमें कुछ। नहीं, कल आ जाएगा काजल। तो क्या हुआ कि अभी तक तो हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते थे कि आप ब्रेन बूस्टर ले लो और साथ में स्लीप का प्रोडक्ट लो। फिर और रिसर्च किया ओके पिछले 1 साल से, रिसर्च करके हमने कुछ और ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखे, नेचुरल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जो कि हाइपर एक्टिविटी में और भी ज्यादा यूजफुल हैं, तो उसका एक ओके अलग प्रोडक्ट बनाया। तो जरूरी नहीं है अगर ये सूट कर रहे हैं आप यही देते रहो, वरना वो भी ट्राई कर सकते हो। वो हमने मीठा नहीं बनाया है, वो नॉन स्वीट है। अच्छा तो वो मैं नहीं, यूज करूं फिर या ब्रेन नहीं कर सकती, ऐसा है कि तीनों कर ऐसा नहीं सकते हूं है, मैं? बिल्कुल अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। इसीलिए सारे ओके प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं ना, उनका इंग्रेडिएंट सबका डिफरेंट रख रहे हैं, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स दो दो तीन तीन चार चार प्रोडक्ट्स भी एक बार में यूज करते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी एक हर्ब बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बच्चे के अंदर जाए, वो भी किसी फायदे का नहीं है। हर एक चीज राइट नहीं है, अमाउंट सही में है। खाना चाहिए। तो कल या परसों में वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसका नाम ही हाइपर लेस है। अच्छा एंड यस, एंड वी होप कि वो भी इतना ही बेनिफिशियल हो बच्चों के लिए। ओके और स्पेशली वो इसीलिए निकाला क्योंकि एडीएचडी भी अपने में कंसर्न बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग कंसर्न हो रही है, बहुत ज्यादा। हाँ
हाँ और तो ADHD में वो मैं यूज कर सकती हूँ ना, कल जो बिल्कुल लॉन्च होने वाला है प्रोडक्ट, बिल्कुल और ये ब्रेन का भी यूज कर सकती हूँ ये। बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैंने काफी लोगों को सजेस्ट भी किया है ब्रेन वाला, तो क्योंकि स्लीप का क्या है कि वो मुझे, मेरे बच्चे को ही इश्यू था, सबको तो नहीं होता है, तो सबको तो नहीं कर सकते, पर ब्रेन का है वो मेरी भतीजी भी ले रही है, और दूर के मेरे रिश्तेदार है वो भी ले रहे हैं, तो वो भी काफी खुश है। ब्रेन का जो प्रोडक्ट है हमारा, वो मैंने रिकमेंड काफी लोगों को किया है, और काफी लोगों का रिस्पांस अच्छा ही है कि नहीं, अच्छी बात है Nice. ये। एक और चीज बताती हूँ आपको काजल। तो स्लीप का प्रोडक्ट स्लीप में हेल्प इसीलिए करता है क्योंकि वो काम कर रहा है, बच्चे की एंग्जाइटी को कम कर रहा है। इसीलिए कई सारे लोग हाँ, जिनको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम दिखती है बच्चों में, वो डे टाइम में भी दे देते हैं स्लीप, और कम टोन में हाँ भी देते हैं, जिससे कि उनकी हाइपर अच्छा, एक्टिविटी थोड़ी काम डाउन हो। तो कम डाउन आपको हो। जो हाइपर हाँ, एक्टिविटी में बेनिफिट दिख रहा है बच्चे में, वो ब्रेन से भी हो रहा है और कहीं ना कहीं स्लीप से भी और हो स्लीप रहा से भी, हाँ सही है, क्योंकि वो सो रहा है तो उसका दिमाग का है। जो यस ग्रोथ होता है वो हो रहा यस है ना प्रॉपर, या सही है। स्लीप साइकिल ना बहुत जरूरी है इस एज पे। बहुत सही टाइम पे आपने डिटेक्ट करा और उसे सॉल्व कर रहे हो, हाँ, और अच्छा है आपने अभी डॉक्टर सर आपका से क्या भी कहना है कि नॉलेज मैं कब ली तक दूं उसको? ये। जैसे आपने बोला ना, आपको कभी लगे कि अब मेरा बच्चा बिल्कुल जैसा मैं चाहती हूँ वैसा है, बस अब बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, सो रहा है, तो हाँ, ब्रेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाइक यू ओनली ओके, सेड ना कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, आदत भी नहीं पड़ रही। जैसे नहीं, मेरे बच्चों को हाँ मैं आप मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में इम्यूनिटी लेते हैं, अभी वो खत्म हो जाएगा, अब मैं वापस उनको ब्रेक स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं ये करती रहती हूँ कभी, एंड उनके सुबह टिफिन में जो वो पराठा लेके जाते हैं उसमें तो पिछले 1.5 साल से डेली न्यूट्रिशन ही पड़ रहा है, तो वो तो रोज जाता है, और अच्छा, साथ में कुछ डेली पाउडर डाल देते हैं हम, या ओके, और कुछ पाउडर्स हैं ना, डाइजेस्ट पाउडर, डेली पाउडर, ये डाल के उनका पराठा बन जाता है। ये तो चलता ही है रोज, बट अच्छा आई ये, हाँ ऑल्सो मैं बाकी प्रोडक्ट्स में कभी आई देती हूँ, कभी इम्यूनिटी, कभी ब्रेन, तो आई कीप डूइंग दिस बिकॉज मुझे ओके, हाँ पर्सनली भी पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अदरवाइज गिव दीज इंग्रेडिएंट्स। कहाँ तक आप बच्चों के पीछे रोज रोज भाग भाग के अलग अलग गाजर भी ले लो तुम, अब तुम एप्पल भी खाओ, अब तुम फ्रूट्स भी खाओ, हाँ वेजीज भी खाओ, स्प्राउट्स भी खाओ, ग्रीन्स भी खाओ, ये इतनी बहुत मुश्किल है। तो वो सब कुछ एक चीज हाँ में आ जाती है, आसान होता है, एक चम्मच दिया हाँ सब आ जाता है उसमें। एंड इफेक्टिव है, मतलब मैंने तो खुद अपने ओके, बच्चों में देखा है कि बहुत इफेक्टिव है। और मैम एक सवाल मेरा ये भी है कि मानो मैं स्लीप का जो प्रोडक्ट है वो दूध में डालती हूँ, तो मैं उसका वेट भी बहुत कम है, हाइट है, इसकी वजह से वो वीक दिख रहा है मेरा लड़का, तो वेट का भी आपका प्रोडक्ट है, तो वो मैं दोनों इस्तेमाल कर सकती हूँ, दोनों स्पून थोड़ा सा दूध में डाल के उसको दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, अच्छा, क्योंकि वो क्या है ब्रेन का है, वो मैं रात को देती हूँ उसको सोने से पहले दूध में, शाम को ये स्लीप का देती हूँ, तो मुझे उसके साथ ही ये ऐड करना पड़ेगा, कोई भी अदर तीसरा प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल एक करती हूँ काम तो? करो, आप वेट का स्प्रेड मत लो, आप डेली न्यूट्रिशन वाला पाउडर लो और उसके रोटी में जो वो ओके, खाता है ना उसमें मिला दो, हाँ 2 चम्मच ओके मिला ओके, दो, तो उसको जो हाँ प्रोटीन जो कम पड़ रहा है, जो कैल्शियम या विटामिन डी जो हल्का सा कम पड़ रहा है, वो भी मिल जाएगा उस पाउडर से, और ये दोनों तो ओके, चल चल रहे हैं, आप उसके वेट में इम्प्रूवमेंट चल देखोगे। ओके, न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट ना, डेली डेली न्यूट्रिशन का पाउडर है एक, ओके, पाउडर है वो, स्प्रेड हाँ, नहीं। कि मैं ये नहीं चाहती कि इतने ज्यादा उसको नट्स भी मिले, उसको स्लीप से भी नट्स हाँ मिल रहे हैं, उसको ब्रेन से भी मिल रहे हैं, तो तीसरा हाँ प्रोडक्ट आप नट वाला मत लो, आप पाउडर ले लो, ओके ओके, वो मैं दूध में क्योंकि इस्तेमाल कर सकती हूँ ना? मैंने करके ट्राई किया है ये सब कुछ, पर आप ओके, ट्राई करके देखना, क्योंकि बना तो वो अल्टीमेटली सब्जियों से ही है, सब्जी से और स्प्राउट से और इन सब चीजों से, तो उसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल जैसे कि आप सब्जी को ड्राई कर दो तो वैसा आता है। आता है, हाँ तो अगर आप ब्रेन के साथ ही मिक्स कर रहे हो सकता है कि ना पता चले उसको पी जाए। रोटी खा रहा है बच्चा, अच्छा, रोटी पराठा खाता हाँ है, खा रहा है, खाना तो खा रहा है, हाँ बस सब आटे खा में रहा है। डाल दो, फिर उसकी रोटी के आटे में डाल दो, अच्छा 2 चम्मच डाल दो, पता भी नहीं चलेगा, बहुत अच्छी रोटी बनेगी और वो खा लेगा, अच्छा ठीक है, ठीक है ना? तो वही करो आप फिर, ओके और मैम, ठीक है। तो ये अच्छा लगा बात करके मुझे काजल, इट इज गुड टू सी कि बच्चे को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है।